हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है जेआर गेमिंग यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज है 5 जुलाई और आज है रैम्पेज इवेंट का पीक डे, यानी कि आज आपको बहुत सारे आइटम मिलने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले इमोट मिलेगा, तो आपको इमोट कहाँ से क्लेम करना है, ये वाला इमोट है। तो आपको लॉगिन स्पिनर के इस सेक्शन में जाना है और यहाँ पे क्लेम का बटन है, देख सकते हैं आप, यहाँ से आपको सीधे से क्लेम कर लेना है। तो उसके बाद आप बात करते हैं हमारे यूएमपी की स्किन जो है वो कैसे परमानेंट मिलेगी आपको और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने सुबह से देखा होगा कि जो गेम है वो बहुत लेट में स्टार्ट हो रहा है, यानी जो हमारा सर्वर है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। तो आपको आप क्या करना है, आपको लगाना है सबसे पहले रैम्पेज 2.0 का जो हमारा न्यू मोड जो आया हुआ है उसको आपको खेलना है। अगर आप क्लैश स्क्वाड या फिर क्लासिक खेलोगे तो वहाँ पे जो गेम है वो बहुत ही लेट स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे जो बॉक्स हैं वो भी कभी कभी मिल रहे हैं या फिर जो चांस हैं उसके मिलने के कम होते जा रहे हैं। तो अगर आप वाला जो मोड है अगर उसको खेलोगे तो आपको 100% जो यूएमपी गन बॉक्स है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको एक गेम खेल के दिखा देता हूँ कि इस टाइप का मोड। तो ये मोड जो सिर्फ हमारा टीडीएम मोड है उससे मिलता जुलता मोड है, जो कि हमारे ट्रैप रैप इवेंट के दौरान आपको देखने को मिला था, जिसमें जो टीम फर्स्ट में 40 किल करती है वो जीत जाती है। तो इसमें आपका ये मतलब नहीं, अगर आप जीतते हैं या हारते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो गन बॉक्स है वो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे आप जीते हैं या फिर आप हार जाएं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, आपको रैंक या क्लासिक या फिर क्लैश स्क्वाड खेलने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो जो मैच होते हैं वो काफ़ी 15 मिनट या 16 मिनट तक चलते हैं, तो जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको परमानेंट नहीं मिलती है तो आपको बहुत सारे गेम खेलने पड़ेंगे। अगर आप रैम्पेज का ये वाला मोड है जो उसको खेलते हैं तो ये मोड कम से कम 8 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है और आपको 100% गारंटी है कि आपको एक गन बॉक्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप रैंक खेलते हैं और आप जल्दी मर जाते हैं तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, ऊपर से आपको जो कैरेट है वो भी गन का नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं सुबह 4 बजे से गेम खेल रहा हूँ, तो पहले मैंने 10 क्रेड जो थे वो इकट्ठा किए, तो मैंने 10 क्रेड एक साथ खोले तो मेरे को 30 दिन के लिए यूएमपी मिली। तो जैसे ही 30 दिन के लिए यूएमपी मिली तो उसके बाद मैंने एक गेम और खेला, तो उसके बाद जो हमारा डेज है वो आगे नहीं बढ़े, यानी कि 30 दिन से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती है। तो जैसे ही 30 दिन हुए उसके बाद फिर मैंने ये रैम्पेज का ये वाला मोड जो है उसको खेलना शुरू किया। तो रैम्पेज का मोड खेलते ही देख सकते हैं आप, मेरे सामने एक चमत्कार हुआ और चमत्कार आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो मुझे एक यूएमपी की स्किन सीधे परमानेंट मिल गई और एक उसके साथ एक क्रेड मिला। तो क्रेड के अंदर उसी से बाद स्कैन मिलेगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक जो हमारी स्किन है यूएमपी की वो मेरी परमानेंट निकल गई। तो आपको पहले जैसा था मैच खेलना है तो उसके बाद आपको 100% गारंटी है कि आपको जो परमानेंट स्किन मिली जाएगी। और हाँ, आपको ये वाला जो इवेंट है, मतलब ये जो मोड है, इसी को ज़्यादा खेलना है। तो देख सकते हैं आप, ये स्किन है यूएमपी की, यहाँ पर यूएमपी कैटालिज्म। तो इसमें बता दूं आपको डबल डैमेज और सिंगल रेंज मिलती है और मैगजीन जो है वो माइनस है, तो मैगजीन का उतना फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यूएमपी की स्किन परमानेंट नहीं मिलती है या फिर आपको इस इवेंट के रिगार्डिंग कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं आपके सारे सोल्यूशन दे दूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है और सुबह इतने जल्दी उठ के आप सभी को दिखाना था कि कैसे परमानेंट निकालनी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसी बात पर एक कमेंट भी कर देना।